अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है आपका? अच्छा तो दोस्तों, ये जो मेरी 5.5 फुट की डिश है, 64 इंच का साइज़ है, तो ये दोस्तों मैंने लगाई हुई है अपना क्या नाम है जी थाई काम पे। ये ब्लैक अल्ट्रा की एल बी है और इस पे सिग्नल भी आपको लाहौर में ब्लैक अल्ट्रा की एल बी पे ही मिलेंगे। लोकल एल बी पे सिग्नल आ तो जाएंगे लेकिन चैनल कम आएंगे आपके पास। तो दोस्तों, जिस तरह आपको बताया जा सकता है कि एक ये सिंपल एल बी होती है, ये सादी होती है, ये लोकल ब्लैक अल्ट्रा एल बी होती है, वो इनमें और सादी एल बी में सिग्नल का 10% का फ़र्क होता है। तो ये चीज़ है कि अगर वो आपको चैनल कम दे रही है सिग्नल मसल के 50% है तो इसके 80% होंगे। तो ये चीज़ है कि ये आप ना अक्सर आजकल एक एल बी चली है सी बैंड की 12K में कट वाली है, जैसे कोई मनार नहीं बनाता इस तरह की है, वो एक साल पहले आई थी, लोगों ने उस पर गौर नहीं किया, लेकिन जैसे जैसे कोई सैटेलाइट आती है तो कोई नई चीज़ बनती है तो उसका हमें बाद में पता चलता है कि इसका क्या फ़ायदा है। तो कल आपने एक यूट्यूब पे वीडियो देखी होगी तो दोस्त फरमा रहे थे जी जाहद भाई को चैलेंज है, गफार भाई को चैलेंज है, तो चैलेंज नहीं करते यार, वो हमारे सीनियर हैं। तो ये आप लोगों को ये ना दिखाएं कि वो एल बी की वजह से सिग्नल आपके पास बढ़ रहे थे, अगर आप लोकल एल बी लगाते हैं तो उस डिश पे आपको सिग्नल कभी नहीं मिलेंगे, वो सिर्फ एल बी की वजह से आपको 10% सिग्नल ज़्यादा मिले हैं, तो जिसकी वजह से ये आपको मिल गए हैं। तो वो मेरा समझाने का मतलब ये है कि अगर एल बी अच्छी मिल जाए तो सिग्नल आपको 4 फुट की टूटी फूटी डिश पे भी मिल जाएंगे। तो जिस तरह ये देख लें ना ब्लैक अल्ट्रा, अगर हम सादी एल बी हार्ड बर्ड पर लगाते तो हमें इतने सिग्नल नहीं मिलते जितने इससे चैनल मिलते हैं, और सिग्नल भी ज़्यादा मिल जाते हैं। तो ये दोस्तों, ये जी सेट लगी हुई है 83 डिग्री और ये के यू में है, तो ये थाईकम के साथ से अटैच किया है। तो फिर मैं ये चैनल आपको इधर ट्यून करके दिखाता हूँ, चैनल मेरे चल रहे हैं, तो फिर भी मैंने ट्यूनिंग इसकी लगा ली थी, मेरे पास यहाँ पे 131 चैनल है, ठीक है जी। तो फिर भी ये ट्यूनिंग लगाते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमारे पास जी यहाँ पे कितने चैनल आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो मेरे अली भाई चैनल को लाइक किया करें यार, शेयर किया करें दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब भी किया करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको मिल सके, ठीक है दोस्तों। आपने देखा होगा सबसे पहले मैंने आपको ये अपस्टार ARY के साथ DD फ्री डिश और या शर्ट लगा के वीडियो भेजी थी, वो मेरे हेलो भाई चैनल को में देखेंगे ना, वहाँ पे मेरी वो सेटिंग है, वहाँ से मेरे पास व्यूज जो हो चुके हैं 2000 से ऊपर हो चुके हैं, तो वो तकरीबन काफ़ी देर की मैंने बनाई हुई है, आप वो वीडियो देखें, उसमें आपको सेटिंग करने का आसान तरीका मिल जाएगा हेलो भाई डिश चैनल में। तो अब देख रहे हैं कि भाई काफ़ी दोस्त बना रहे हैं वीडियो, खुशी होती है कि चलो उन्होंने भी बनाई है, ये फ्री चैनल बन जाते हैं। तो यहाँ पे पटारा आजकल जो है ना साइड एल बी पे तो नहीं चलता, लेकिन सेंटर में एल बी लगाने से चल जाता है, हो सकता हम फाइन ट्यून करें या कोई अच्छी एल बी लगाएँ तो जिससे हमें चैनल ज़्यादा मिल जाए। तो
थोड़ी वीडियो स्किप करते हैं तो फिर दिखाते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, तो यहाँ पे आपको दिखा देते हैं जी, मेरे पास ये चैनल थोड़ा सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो ये है कि यहाँ पे मेरे पास आए हैं 100, तो अपना 31 चैनल है मेरे पास, ठीक है जी। तो ये आपको दिखा देते हैं जी, ये देख लें, और ये चैनल भी चल रहा है, इसके स्क्रीन भी चल रहा, ठीक है जी। तो ये है कि आप सैडल भी लगा के आप थाई कम भी चला सकते हैं और ये भी चला सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमें याद कीजिएगा, ओके, अल्लाह हाफिज़।